सर चेक नाका पे हमें एक गाड़ी मिली है और उस गाड़ी के अंदर एक लाश है और वो गाड़ी इनकी है। क्यों मारा उसे? अच्छा तो तुम दोनों एक लड़के से प्यार करते थे और वो लड़का तुम दोनों में से किसी एक से प्यार करता था, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर प्लान बनाकर उसे मार डाला। यही प्लान था ना? क्या लगता था वो तुम्हारा पति? तो वो तुम्हारा पति था और प्यार इससे करता था और ये बात तुम दोनों को पसंद नहीं आई, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। भाई था वो मेरा। भाई? अच्छा भाई, तो तुम्हारा अफेयर कहीं और था और ये बात उसे पता लग गई तो तुमने गुस्से में आकर उसका कत्ल कर डाला। नहीं इंस्पेक्टर साहब। तो आखिर वजह क्या थी? हमारी दोस्ती। दोस्ती? जी इंस्पेक्टर साहब, हमारी गहरी दोस्ती। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हॉस्टल में भी एक साथ रहते थे। हाँ बेटा, मैं जल्दी करा जाऊंगा, ठीक है जी। हमारी दोस्ती प्यार में कब बदल गई हमें पता ही नहीं चला इंस्पेक्टर साहब। हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहे थे, एक पल के लिए भी नहीं। एक पल के लिए भी हम दूर ना रहे, इसलिए मैंने और कविता ने प्लान बनाया कि मैं इसके भाई से शादी कर लेती हूँ ताकि जिंदगी भर हम साथ रह पाए। और शादी के बाद हमारी नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि मैं अपने पति से और दूर होने लग गई। पति हूँ तुम्हारा। ये सब मत करो, मुझे डर लग रहा है। सोनल, मुझसे किस बात का डर? छोड़ो मुझे, मुझे बहुत डर लग। सोनल, भाभी, क्या हुआ? क्या भाभी रो क्यों रही है? हाँ, शांत हो जाइए। मैं भाभी से बात करती हूँ। हाँ, आप टेंशन मत लेना। भाभी आप मेरे साथ आइए। अब डर तो नहीं लग रहा ना तुम्हें? अब डर नहीं लग रहा।
वैसे मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी अच्छी एक्टर हो। भैया क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। क्या बात है भैया, हाँ कोई प्रॉब्लम है? कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा परेशान हूँ तुम्हारी भाभी को लेकर। कल रात में तुमने देखा ना उसने क्या हरकत की। भैया मैं भाभी से बात करूंगी, मैं उन्हें समझा दूंगी। कल रात भी मैंने उन्हें समझाया था, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वैसे अभी कहाँ है वो? अभी सो रही है भैया। मुझे कुछ काम है, मैं आधे घंटे से आता हूँ, तुम ध्यान दो उसका। तब टेंशन मत लेना। चल रहा था ऐसा? कुछ भी नहीं। ये रीजन है जो तुम मुझसे दूर भागती हो? ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो बस अंधा नहीं हूँ मैं। भैया आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम तो बस पागल समझ के रखा है मुझे, हाँ? भैया ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? आप इन्हें तो कहा था कि मैं भाभी से बात करूं, मैं तो बस इन्हें समझा रही थी कि वो, लेकिन ये समझ नहीं पा रही थी भैया। मैं ये समझा रही थी तू? ऐसे बात कर रही थी तू? हाँ ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया, अपनी बहन पर इतने घिनौने इल्जाम लगा रहे हैं। और ये जो तू घिनौने हरकत करी है इसका क्या? कल पहली ट्रेन से तू गांव जाएगी वापस मम्मी पापा के पास। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ भैया, मैंने कुछ नहीं किया है। तू जाएगी और उस लड़के से शादी करेगी जिससे मम्मी पापा ने बात की है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं। चुप, बीच मत बोलना, बैग पैक करके रखना अपना, कल सुबह तो चल। भैया मेरी बात तो सुन। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी कविता। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। कल तुम चली जाओगी, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। तुम चिंता मत करो, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कल यहां से मैं नहीं, कोई और दूर जाएगा। बहुत दूर। तो तुम दोनों का प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? प्यार तो हम एक दूसरे से आज भी उतना ही करते हैं, और हमारे प्यार में जो भी रुकावट बन रहा था उसे तो हमने हटा दिया। इसी बात की खुशी है कि हमारा प्यार अभी भी बरकरार है। इंस्पेक्टर साहब, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। दुनिया हमारे इस रिश्ते के बारे में क्या सोचती है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों के बीच क्या रिलेशन है इससे मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जुर्म तो तुम दोनों ने किया है और उसकी सजा भी
तुम दोनों को मिलेगी। Yeah.